इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। उनकी फिक्र, उनकी सोच, मगर ये बातें तो वो बताते आते ही हैं। रोजाना मुसीबत में और खास करके जुम्मा में, मगर ये सुनी सुनाई जैसे मौलाना साजिद ने कहा कि अब अमल करने का वक्त आया है। अमल करने का वक्त बहुत पहले ही आया था, अब देरी सही, थोड़ी बहुत कोशिश आप थोड़ी कोशिश ना और ज़्यादा कोशिश ये करें। लेकिन जो दर्द इमामों का और उलमाओं का मौलाना करीम साहब ने बताया है, और बड़ी खुशी भी मुझे कि मौलाना मधु साहब ने उसको हाँ कहा कि मतलब दोनों की एक ही राय है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ज़्यादातर डिफरेंस ओपिनियन ज़्यादा हो गए, लेकिन आज एक बात पे तो लगता है कि भाई ये बात सही है। अब इन्होंने ये क्यों कहा, ये बात क्यों निकली आज कि हो सकता है कि सभी जिम्मेदार आप जितने मुतवली और मैनेजमेंट हैं मस्जिदों के, या आप सभी दरगाह के मुसलमानों की शान हैं, ये पहले अपने दिमाग में और दिल में डाल लीजिए कि आपसे हमारी इज्जत है, कौम की इज्जत है, और ये जो बैठे हैं ये हम सब के चांद हैं। हाँ, तो इनकी रोशनी और आपकी शान, ये दोनों मिलाकर के क्यों इतने प्रॉब्लम्स है ये समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स तो है, और प्रॉब्लम्स है कर करके बहुत सालों से हम देखते हैं, कहीं ना कहीं एक टर्न रॉन्ग हो गया तो समझो भाई तो जा रहे, लेफ्ट टर्न ले गया तो बम्बई का रास्ता है, आपने राइट टर्न ले लिया बैंगलोर पहुंच गए, दूर होते गए अपनी मंदिर से हर कदम में। ये बातें बैठ के आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, यंग कमिटीज के खास जो नौजवान हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं आज, उन्हें भी ये जिम्मेदारी आगे जाके संभालने की, मस्जिदों की भी संभालने की है। तो आप अपने आप को कैसे पेश करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हमारी मस्जिदों के इमाम कैसे दिखें, कैसे उनका एहतराम हो, हम उनकी कैसे इज्जत करें और उनके चेहरे पर हम मायूसी बर्दाश्त ना करें। ये इतनी बात समझ लीजिए है, कितना क्या कब ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हम समझदार हैं कि जैसे मेरा कहना है वैसे उसका कहना है, मगर एक ही बात जो मौलाना सलीम साहब की बात पे मैं थोड़ा एतराज करता हूँ कि वो बदकिस्मत है जो आपकी 2500 की तनख्वाह दे करके बेटी नहीं दिया, वो खुशकिस्मत है जिसने दिया बेटी भी और आपकी। तो अल्लाह के तरीके बहुत से हैं, आप भी कुछ लग रहे हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ होगी, मतलब आप और हम एक, आपका फायदा हमारा फायदा। अल्लाह ताला के बड़ी मुसीबत से बचाने के रास्ते तरीके छोटी मुसीबत दे करके बहुत से हैं, बड़ी आफतों से बचाने के लिए, कौम को इकट्ठा करने के लिए, कौम के हमदर्दों की पहचान दिलाने के लिए, ये सभी बातें एक निजात है। शुरू में लगा ऐसे कि एक महीना जो चला रोज हम देख लेते 30-40 जनाजे बिरदाओं के कब्रिस्तान में, हर एक परेशान, हम उनके लिए परेशान जो आगे आगे जाके काम कर रहे थे, जिसमें मेरे छोटे भाई आदिफ साहब भी थे, उनकी सारी टीम लगी थी, डॉक्टरों से सलाह कर दिया जाए क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, बस एक अलग अलग डॉक्टर भी अलग अलग दवाइयाँ देने में लगे थे, कोई मलेरिया का दे रहा है, कोई एड्स का दे रहा है, कोई कैंसर का दे रहा है,
ये बात तब पता चला कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले फेफड़ों का असर करता है, जो ज्यादा होने से दिल वर्षित हो जाता है, मतलब आपके लंग्स चोक हो जाते हैं, उसको वापस ओपन करना, ऑक्सीजन आपके सिस्टम में पहुंचना ये नामुमकिन हो जाता है। तो किसी के एडवाइस पे अंजुमन इस्लाम राजू साहब के, मैं लीडरशिप में नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला अपने एक बंदे से काम लेना चाहता था, उन्हें काबिल बनाया, उसे काम दिया, वो उनकी खुशकिस्मती है। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे तक वो काम हमारे लोगों तक जरूरतमंदों तक वो काम पहुँचा। करीब 200-300 सिलेंडर्स खरीद के ले लिए उन्होंने, एक कीमत 10,000-20,000 थी। परेशानी हुई होगी क्योंकि इतनी बड़ी रकम 30-40 लाख एक साथ, मगर परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं हुई क्योंकि अल्लाह ने इतने इतने लोगों को काबिल बना दिया, इतने लोगों को हमदर्द बना दिया कि देखते 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 25-30 लाख रुपये आके आरक्षित के पास गैर से लोगों ने डाला के दे दिया। आज अगर किसी के लिए हम दुआ करें तो उनके लिए करें जो दूसरों की फिक्र करते हैं, जो दूसरों की हमदर्दी अगर वो खुद नहीं दे सकते तो वैसे लोगों को लाके भी पहुँचाते हैं। यहाँ पे कोई पटेल साहब है इंडियन ऑक्सीजन के, जिनका ऑक्सीजन का प्लांट है, इंडियन ऑक्सीजन है बेलगाम ऑक्सीजन करके, सारा का सारा ऑक्सीजन रिफिल इन्होंने फ्री में दिया जब प्रीमियम चल रहा था। कोल्हापुर से जो मेन सप्लाई आता है यहाँ पे रिफिलिंग होता है उसका, कोल्हापुर वालों ने महाराष्ट्र वालों ने बंद कर दिया सप्लाई बेलगाम शहर को, कभी कन्हा महाराष्ट्र के बाहर नहीं आएगा ऑक्सीजन। परेशानी हो गई तो एक पुराने दोस्त हमारे जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के बंटी पाटिल साहब करके, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने डीसी से बात करके विद इन आवर्स सुबह बात की तो शाम तक फिर ऑक्सीजन आने लग गया है। मगर इससे हमने क्या सीखा है कि बीमारी है, नई नई बीमारियाँ आ रही है। आज लगता है कि हम यकीन मानिए मैं शर्मिंदा होकर के मास्क पहनना छोड़ दिया कि मैं अकेला नहीं देख रहा, जैसे अपना वाकई देखते वैसे मैं अकेला दिखने लग गया हर जगह। तो बॉलीवुड वाले मास्क क्या पब्लिक डिमांड है, वापस आएगा तब पहनना, आने के बाद मत पहनना, आने के पहले पहनना। क्यों हंसे भाई, बहुत हंसी आ रही है। तो ये जो बातें हैं, अचानक से हिंदुस्तान एक डेढ़ महीने के लिए बंद हो गया, जिसने थोड़ा बहुत कमा के बचा के रखा था, जैसे कि बारिश में बारिश आएगा और ज़्यादा बारिश आएगा तो एक रेनकोट और एक छाता लेके रखा था कि काम आएगा मेरे घर वालों को। और जिसने नहीं बचाया, जिसने कर्जा लिया और बड़े बड़े खर्चे किए कि मेरी तो कमाई चलती ही रहेगी, आगे बढ़ेंगे, वो बेचारा परेशान हो गया। डेढ़ महीना कोई भी कारोबार बंद होना, आमदनी बंद होना एक बहुत बड़ी सजा है, याद रखिए। और ये सजा स्थिति है कि आप और हम आगे के लिए हम पर जो डिपेंडेंट है, जैसे हम एक रूहानी सपोर्ट के लिए इनका साथ लेते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बीवियाँ, ये हमारे भरोसे बैठी रहती है, ये हमारा कमाने वाला है, ये घर का बड़ा है, ये समझदार है, ये सब कुछ ठीक करता रहेगा, उन्हें नहीं मालूम ये बाहर जाके क्या क्या करता है। उसमें आप और हम सब शामिल हैं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शामिल है। मगर एक ट्रायल था, एक मुसीबत आई, दूसरी बड़ी मुसीबत एनआरसी की फिलहाल में कोर्स कॉलेज में चली गई। एक बड़ी मुसीबत, मालूम नहीं कितनी बड़ी होने वाली थी, वो एक 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 झटका लगते रहे तो वो बड़ी मुसीबत मुसलमान ने जो आपदानी थी वो फिलहाल में टल के बाद में रखी गई है और इसमें सब बिजी हो गए हैं। देखते देखते सारे यूरोप में, मतलब सबसे ज़्यादा साफ सुथरे वतन, एडवांस साइंस वाले, एडवांस दवाई वाले,
सब परेशान आज सेकेंड वेव के वजह से है, और सबसे बड़ा खतरा आज यूरोप में है, या पूरे यूरोप के सारे कंट्री, फ्रांस हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, हाँ, ये सभी जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे आज लॉकडाउन में हैं। हम भी उनको अंदर लेने को तैयार नहीं है आज। आज तो हालत ऐसी है कि बम्बई से महाराष्ट्र कोई आ रहा है तो उसके पास कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नहीं रहेगा तो अंदर नहीं छोड़ रहे बॉर्डर पे, दोबारा ये साइकिल शुरू हुआ है। हमें लग रहा है कि हो गया, किसी ने कहा पार पड़ गए, पीछे है, माफ करना, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रही। अगर सही में आप अपने माँ बाप से, जो बुजुर्ग है आपके घर में है, आपके बच्चों से प्यार करते हैं, तो एक मुँह का कपड़ा लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। साइंटिस्ट ने कहा है कि मास्क और डिस्टेंस यही आपका वैक्सीन है, जब तक वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं होता। और 100% अगर आपको सेफ्टी में रहना है तो मास्क के ऊपर और एक मास्क सेकेंड वन, ये जरूरी है। इसका वक्त आने से पहले छोटा सा कपड़ा रखो, बड़ा महंगा भी है और ज़्यादातर हवा में सूखते हैं, खास करके हम लोगों के, हम हो गए पुराने, हमका नौजवान अभी हीरोगिरी करना है, चेहरा छुपाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखने वाला भी ऐसे कोई नहीं, परेशानी इतनी है कोविड में कि देखने वाले भी कोई ज़्यादा तारीफ नहीं करने वाले आते, क्योंकि बाहर ऐसे है और छह पैसा स्टाइलिश स्टाफ पहन लेना कुछ लिख देना उसके ऊपर है। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम बहुत 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 लापरवाह हैं। कहने को तो सब कहते हैं मुसलमान बहुत बड़े दिल वाला है, देने वाला है, अरे क्या देने वाला है, बीमारी देने वाला है, अपने घर वालों को, अपने घर की जो फिक्र नहीं करता वो आपकी क्या फिक्र करेगा, थोड़ा बहुत पैसा देने का हो गया, आप अपने घर तक ले जाएंगे, पड़ोस के ले जाएंगे। आज मेरे सारे साल 25 दिन से आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कोमा में है, सिर्फ कोविड के वजह से। घर के 5 बीमार थे, उनके बच्चे की तरफ से घर में आया था, अब ये लंग्स 50% काम नहीं कर रहे हैं, ये हालत है, दुआ कीजिए उनके लिए। मगर आपको समझा, अच्छे अच्छे एडवांस कंट्रीज में क्या उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी हाथ हाथ बांध बैठे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे में से कोई बीमार हो, हमारे में से कोई दुखी रहे, हमारे में से कोई भूखा रहे, हम नहीं चाहते। हमें सबको दर्द है, ये कुछ रहता है, पर हालात ऐसे है कि कोई मानता ही नहीं। मुफ्ती मोहम्मद साहब ने तकरीर की कि भाई शादी ब्याह में बहुत खर्चा होता है, थोड़ा बहुत शौक होता है, लोग कोशिशें करते हैं, बेटी की है, बेटे की है, कीजिए, हम ना नहीं बोलते। एक वक्त है ऐसे हालात में जहाँ सब मजबूरी में हैं, सब तकलीफ में है, वैसे टाइम में हम ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा भी करना गलत दिखता है, थोड़ा सा थोड़ा काम की। आपको 2000 लोगों को बुलाने की ख्वाहिश है तो 700-800 में मैनेज कर दे, 700-800 लोग बुलाने की है तो 300-400 में मैनेज, नहीं कहते बंद कीजिए। और ज़्यादातर ऐसे फंक्शंस में आपके आसपास के ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आप जानते हैं, परेशान हैं, जिन्हें कोई बड़ी दावत नहीं आती, उन्हें बुला के उनको अच्छा खाना खिलाइए तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। ये जरूरी है, उसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, सब अपने ही बड़ा है छोटा है। तो ये बातें, 2-3 बातें सभी ने की, मौलाना नजरुल्ला साहब ने भी ज़कात के बारे में कहा, ज़कात की बारीकियाँ जो है आप कभी भी उनसे उसकी मालूमात ले सकते हैं, और बारीकियाँ ले जा करके अगर आपको उसकी फिक्र है तो। मगर मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे कि आपकी ज़कात ऐसे ज़रूरतमंद पास पहुँचाइए कि अगले साल तक वो ज़कात मांगने के लिए उसको ज़रूरत ही ना पड़े। आप 2000 लोगों में 1,00,000 रुपया 500-500 करके बांटेंगे एक एक साड़ी, उससे आप 4-5 लोगों को एक कारोबार पर लगा दीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपके मेहनत के पैसों का, आपके मेहनत की दौलत की वो ज़कात है। तो हम चाहते हैं कि उसका ध्यान रखिए, मालिक बेशक उनको आप बनाएंगे क्योंकि वो तो कंडीशन है, लेकिन उसका ध्यान भी रखिए, क्योंकि
क्योंकि मोहरम से भी हज तक जो साल का आपका इनकम और बजट है आपको तकसीम करने के लिए काफी वक्त दिया गया है। ऐसे नहीं कि 31 मार्च को आपको लेकर भर देना है, आपको दिया गया है, वो आप पूछताछ कर सकते हैं विद इन व्हाट टाइम मार्केट पे कितने दिनों में मैं उसको खर्च कर सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ। और अदायगी ऐसे हो और यकीन मानिए हमने तो देखा है, सुना भी है, महसूस भी किया है कि आप कितना देंगे उससे ज्यादा देने के लायक आपको अल्लाह ताला अगले साल बनाने का जरूर उसका वादा है। मगर हमारी दुआ यह है कि आप ढूंढते रहें, आपको ज़कात देने वाला ना मिले, ये हमारे हर मुसलमान की जज्बा है। तो ये जो जब जज्बात है, जो फीलिंग्स है, जो हमारे उलमाओं की, इमामों की जो डिसरिस्पेक्ट हम करते हैं, मैंने देखा है, बड़ा बुरा लगता है, पैदा छोड़ने की बात बताइए। क्या आपके मोहल्ले में, आपके मस्जिद में मुतवल्ली साहब आने से इमाम साहब उठ के खड़े होते हैं कि इमाम साहब आने से मुतवल्ली साहब उठ के खड़े होते हैं? वो आपको फैसला करना है, आपको डिसाइड करना है कि किसका दर्जा अल्लाह ताला के अंदर में बड़ा है और उसका जो हुक्म है उसका हम अमल यहाँ करें। उन्हें भी अपनी इज्जत और अपना मकान बचा के रखना है, उनको भी वैसे बिहेव करना है। मोहल्ले के नौजवान हम देखते हैं बुरा लगता है, अरे आप कम से कम सलाम करके सर झुका के पार तो पड़ जाइए, सलाम वालेकुम करके सिगरेट बंद करके चले गए तो अच्छा लगता है, बारीक चीज है, छोटी चीज है, पैसा तो बहुत मामूली है। मगर ये जो रिस्पेक्ट है, जब हम अपनों को रिस्पेक्ट देंगे तो गैर के भी इनको रिस्पेक्ट देंगे। यकीन मानिए आपसे ज्यादा वो उनको रिस्पेक्ट देंगे, और अगर आप वो देखेंगे कि आप उनको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उनको गिनेंगे तो नहीं, ना महफिल में, ना सरकारी जगह में, ना अपने आप मोहल्ले में। ये बातें हैं जो सोचने की है, समझने की है। दूसरी बात रही टाइटल्स, किसी ने फरमाया यहाँ कागजात मस्जिदों के कागजात, यहाँ पे 2-3 किस्म के हैं। एक पुराने जो मस्जिद है उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के मास्टर फाइल बनाई, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर कॉपीज लेके फाइल में रखी, क्योंकि जो पुराने मुतवली थे उन्होंने ठीक से नहीं रखा, वो चले गए, नए मुतवली आ गए, नए मुतवली नहीं थे तो बीच में जो मुतवली बनने जाते थे वो 4 कदम दूर और एक मस्जिद बना दिए। ये बातें चली हैं इसमें, चली है, वो जरूरत के हिसाब से नहीं, मैं पढ़ा पहली बार इस पर जब तो जो बातें चली है वहाँ क्या इबादत होगी, वहाँ क्या लगा होगा? ये भी हमें सोचना है कि मोहल्ले में एक क्रॉस में एक ही मखलक के 3-3 मसाले, चलो अलग अलग मतलब के एक ही मतलब के 3-3, क्योंकि उसमें उसकी बात नहीं थी, उसमें उसकी बात नहीं थी। बेलगाम शहर में तो देने वाले बहुत है, एक किताब छाप के तो मस्जिद रड़ी कितना टाइम लगता है, मगर नहीं, आपकी मस्जिद उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो फजर की नमाज में कितने सफ होते हैं उतनी ही आपकी मस्जिद है। नौजवान फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में नहीं आ रहा है तो जिम्मेदार इमाम साहब भी है और मुतवल्ली साहब भी है। नौजवान तो नौजवान है, लापरवाह है, नादान है, यंग है, उसकी सोच उसका तरीका अलग है, उसको कौन ठीक करेगा, उसको कौन दावत देगा? बुलाइए, बोलिए भाई सुबह में आओ, 6 का वक्त है, 6 बजे ग्राउंड में मिलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खेलिए क्रिकेट थोड़ा उसके साथ में, आपको कोई इतराज नहीं क्रिकेट खेलने में, आप तो खेलते थे बचपन में, अब ये बच्चों को क्यों आप नाराज होते हैं खेलते हैं तो, आप भी तो खेलते थे, मैं भी खेलता था, क्रिकेट खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बुलाइए क्रिकेट के बाद जल्दी उठ के आ जाएगा। बोला है 2 लड़के हैं पढ़ लिखे हमारे साथ में, फिर साथ में खेलते भी हैं तो दोस्ती भी हो जाएगी। आप अपने आप को बड़े बुजुर्ग समझ के बड़ी दाढ़ी बढ़ा के बहुत एकदम ऐसे मत करिए, आप यंग है, अंदर से मैं जानता हूँ कितनी उम्री है, 60 साल से ज्यादा के, आप अपने आप को बूढ़े मत समझिए, अभी तो मोटालिटी
अच्छी बातें आपकी मानने लग जाएंगे। ये तरीके अलग अलग प्यार के, प्यार से उनको आपको लाना है, डरा के नहीं लाना है, उन्हें अल्लाह ताला से उसके रसूल से प्यार करने की आदत डालिए। बहुत डायलॉग सुने हमने, मैं सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, किसी और से नहीं करता, बेशक मैं तो सिर्फ अल्लाह से प्यार करता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ, बाकी मेरी ये सब फजूल है, ये मेरी सोच है। तो दोनों की सोच मिला देते हैं, हम सिर्फ अल्लाह से करते हैं और सिर्फ अल्लाह से प्यार करते हैं, सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुँचाए गए, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बस क्रिकेट मत खेलो करके कहीं भी नहीं बोला गया, खेलना सुबह 6 बजे के लिए 6:30 बजे के लिए वक्त पे नमाज अदा कीजिए, फजर का वक्त है, बरकत का वक्त है और काम पे लग जाइए, मगरिब तक घर पहुंच जाइए, ईशा आपके लिए मस्जिद में चले जाइए, आ जाइए घर वालों के साथ में हिफाजत से घर में रहिए। ये तालीम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये काम इमाम साहब, मुतवल्ली साहब, सेक्रेटरी साहब, खजाजी साहब, आप सिर्फ लाइट और फैन के मुतवल्ली बन के मत रहिए, प्लीज मत रहिए। हाँ, स्विच बंद कर चल कर लग ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर आपको फिक्र करते हैं, अच्छा बनाइए, कंफर्टेबल बनाइए, मगर इन्होंने जो कहा उस पर जाके गौर फिक्र कीजिए, ज़रूर कीजिए। आपको और हमें, और मैं खुद दुख से कहता हूँ कि थोड़ा हम छिल मिलता है, और शरीफ साहब आपने रोशनी उस बात पर डाली जो हम सब जानते हैं लेकिन नज़रअंदाज करते आए हैं। तो पहले हम ये सोचेंगे कि हम हमारे इमामों के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा बहुत, और हम हमारे मोहल्ले के लिए बैतुलमाल या कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं जो बुरे वक्त पे इकट्ठा करने से बड़ी रकम हो और सबके काम आए। ये सोच अब नई सोच है। कुछ दिनों में कुछ वॉलंटियर्स को हम हर मस्जिद में भेजेंगे। फारूक खान साहब आपकी बात मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे पास भी आए थे मस्जिद वन वाले लोग बेंगलोर से, कुछ फॉर्मेट्स हैं हम आपके पास भेजेंगे। ज़रूरी है कि मस्जिद के मुतवल्ली और इमाम साहब को ये पता चले कि बीच गए जुम्मा में फलाना फलाना अब्दुल आया नहीं, उससे पहले भी आया नहीं, अब 3 हफ्ते हो गए, क्या बात हो गई, उसके घर में सब ठीक ठाक तो है, क्या वो बीमार है, क्या शहर में नहीं है, आपने कभी फिक्र की है? नहीं, क्योंकि हम वो नजरिए से आज तक सोचे ही नहीं कि भाई मेरे पास जो मुसल्ली है, मेरे साथ वाला है, हर हफ्ते बराबर सबसे पहले आता है, इधर उधर लगा के आता है, सुबह पर लगा के आता है, बड़ा रौनक है उसके चेहरे पे, दुरान चेहरा है, दिख नहीं रहा है, चलो किसी को भेज देते हैं उसके घर, अगर लेडीज है तो कोई लेडी को भेज दीजिए, क्योंकि जाके देखिए घर में उनके क्या परेशानी है, अगर सब ठीक ठाक है और गलती से नहीं आया तो बुला के बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, मस्जिद में आया कि नहीं, अगर कोई उसकी परेशानी है और मोहल्ले में अगर वो उसको फल नहीं ढूंढ सकते तो शहर पूरा पड़ा है उसकी तक अच्छे लोगों तक पहुँचाएंगे, हो सकता है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हमको कैसा पीओपी लगाना है, कितना ऊंचा मीनार बनाना है। अरे सब मीनार बनाए करते थे, ऊपर जाके अजान दिया करते थे, बाकी साहब आवाज आवाज निकल रही थी दूर दूर तक आवाज जाया कर रही है, अब शोका कर रहे हैं कि भाई फला मस्जिद का 30 फुट का है तो मैं 45 फुट का बना बराबर है ना, वटपली करने वाले साहब क्यों मौलाना सरदार साहब सही बनवाया, तो थोड़ा सा नजर किया, हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं, हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ अल्लाह ताला की रजा पाने का है कि क्या मेरा काम ऐसा हुआ है मेरे हाथ से जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, या मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल के उसको राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर हम सब करते हैं, सब करते हैं, जैसे हमने देखा कोविड में क्या क्या किया इन्होंने, जहाँ घर वाले दूर हो गए तो इन्होंने जाके कुछ गुस्सा देने वाले भी लोग हैं, तो उनके बारे में भी हम बता रहे हैं, डिटेल में आप थोड़ा बताइए जो
उसके साथ में अल्लाह जब तक ताकत देगा, सांसें देगा, होश देगा, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम हमारी तरफ से हमेशा हमेशा आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ में खिदमत में लगे रहो, ताकि हम और आप, जैसे कहा जाता है कि एक अजीम मजहब के अजीम कौम है, वैसे हम दिखे भी, वैसे आपकी हमारी तारीफ भी हो, हमारी खिदमत की, हमारी इबादत की, हमारी सच्चाई की, हमारी ईमानदारी की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ ज़रूरत नहीं है। वो लाती है वाला पूरी कायनात मिल गया जैसा है, वो आखिर दावा अलहमदुल्ला है।